नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए। कल नामांकन की आखिरी तारीख और ऐसे में आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, पर्चा भरा है, तो कई प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। आज अब तक नामांकन दाखिल करने वालों में भीलवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी, पाली से बीजेपी के प्रत्याशी पीपी चौधरी और साथ ही साथ सिरोही जालोर सीट से लुम्बाराम चौधरी, बाड़मेर से कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल, टोंक से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीशचंद मीणा ने भी नामांकन किया है। दिग्गजों ने जहां जहां नामांकन किया उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओम बिड़ला भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे कोटा बूंदी लोकसभा सीट से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने भी पर्चा भरा। पीपी चौधरी पाली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। सिरोही जालोर से लुम्बाराम चौधरी ने नामांकन दाखिल किया तो सीपी जोशी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर भीलवाड़ा में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। बाड़मेर में कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवाराम बेनीवाल ने नामांकन भरा तो हरीश मीणा ने भी टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं झालावाड़ 12 से उर्मिला जैन भाया कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने पहुंची तो बीजेपी की तरफ से दुष्यंत सिंह ने नामांकन दाखिल किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने भी अपना नामांकन भर दिया है। तो मरुधरा अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी हुई है। नेताओं पर चुनावी रंग छाया हुआ है, लेकिन इस चुनावी रंग में सियासत का तड़का भी लग रहा है। नेताओं के अनोखे चुनावी प्रचार और राजस्थान की सियासी बहार पर यह खास रिपोर्ट देखिए। डोटा सरा का अंदाज है, ये बीजेपी का चुनावी प्रचार है। ये नेताजी का अनोखा अंदाज है। ये मरुधरा की शान है। इन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि मरुधरा की सियासत के रंग अजब गजब हैं। यहाँ प्रचार का तरीका भी अनोखा है और जनता से बात करने का लहजा भी लाजवाब है। सब अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित कर रहे हैं। प्रत्याशियों के ऐसे ही अनोखे प्रचार और जनता से जुड़ाव की कुछ तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जिसे देखकर आपको हैरानी तो बिल्कुल नहीं होगी। गोविंद सिंह डोटासरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवाराम बेनीवाल के पक्ष में प्रचार करने गए थे, तभी विरोधियों पर तंज कसते हुए डोटासरा ने मंच पर ऐसा डांस किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं चुनावी मौसम के साथ ही फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है। गांव देहात में गेहूं की कटाई की जा रही है। ऐसे में दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने भी गेहूं की कटाई की। फसल कटाई के वीडियो की अब हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अनोखे अंदाज वाले वीडियो चुनावी मौसम में नई सियासी बहार ला रहे हैं। वहीं दौसा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने भी ट्रैक्टर पर प्रचार किया। मुरारी लाल मीणा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों तक पहुंचे। नेताजी को ऐसे प्रचार करते देख जनता भी हैरान है। लेकिन इन सबसे अलग बांसवाड़ा से नामांकन करने गए राजकुमार रोत तो शुद्ध देशी राजस्थानी अंदाज में नजर आए। ऊंट पर सवार होकर नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे बीएपी प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत।
जिन्होंने शहर के बीच से ऊंट पर बैठकर रैली भी निकाली। राजकुमार रोत के इस राजस्थानी अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि चुनावी मौसम में नेताओं के नए नए अवतार जनता को दिखाई दे रहे हैं। नेताजी प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी उनके नए अंदाज में दिखाई देते हैं। अभी प्रचार में 2 सप्ताह का समय बचा है, आपको ऐसे और भी नज़ारे देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो वहीं बिहार के दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा टास्क उन्हें सौंप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राज्य के लोगों को जंगल राज की याद दिलाएं। जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। चार अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। जमुई में रैली कर मोदी एनडीए के चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। उसके पहले 2 अप्रैल की शाम को पीएम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली जुड़े और बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो राज्य के लोगों को जंगल राज की याद दिलाएं। साथ में लालू राबड़ी राज और सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बीच भी फर्क बताएं। और पुराने लोगों से कहें, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। जंगल राज की याद दिलाने के पीएम मोदी के आह्वान के बाद बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। जेडीयू ने पीएम मोदी के इस चुनावी मंत्र का स्वागत करते हुए लालू राबड़ी राज पर निशाना साधा है, तो दूसरी ओर आरजेडी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए पलटवार कर दिया है। जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। 118 नरसंहार का बिहार, खेत खलिहान में आग लगा हुआ था, दिन में भी लोग निकलने में भयभीत रहते थे। उनको ये भी कहना चाहिए था कि 14 मैंने जो वादा किया था बेरोजगारों को, साल में एक साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का, देश से महंगाई भगाने का, उनको ये भी बात कहनी चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में कोई चुनावी रैली करते हैं तो जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं। दरअसल 1990 से लेकर 2005 के दौरे को बीजेपी जंगल राज कहती है। रेप, हत्या, अपहरण, डकैती की घटनाओं को लेकर बीजेपी निशाना साधती है। साथ में अपराध के मुद्दे पर लालू राबड़ी शासन पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी हर चुनाव में जंगल राज को ही मुद्दा बनाती है। यही वजह है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया है कि वो नए वोटर्स को ये बताए कि लालू राबड़ी के शासन के दौरान बिहार में क्या स्थिति थी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच खबर महाराष्ट्र से मिल रही है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है, महाराष्ट्र में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर शिवसेना का शिंदे कैंप मराठी कैंडिडेट की तलाश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकता है। पहले सीट पर अभिनेता गोविंदा को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन इस सीट पर मराठी वोट बैंक ज्यादा होने की वजह से शिंदे कैंप यहां से किसी मराठी कैंडिडेट को उतार सकता है। पहले सीट शेयरिंग में महीनों चली माथा पच्ची के बाद अब उम्मीदवारों के नामों को लेकर शिवसेना शिंदे गुट में नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। शिंदे गुट के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट।
सूत्रों की माने तो शिंदे कैंप इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकता है, क्योंकि सीट पर मराठी वोट बैंक ज्यादा है, लिहाजा शिंदे कैंप यहां से किसी मराठी कैंडिडेट को उतारने की जुगत में है। पहले सीट पर अभिनेता गोविंदा को टिकट देने की बात चल रही थी। इसको बल उस वक्त मिला जब गोविंदा ने शिंदे कैंप की शिवसेना ज्वाइन कर ली, लेकिन उन्हें टिकट मिलने से सबसे बड़ी दिक्कत बना है उनका मराठी ना होना। अब रेस में सबसे आगे मराठी कलाकार सचिन खेड़ेकर हैं। मुंबई के मराठी परिवार में पैदा होना उनकी दावेदारी को मजबूती देता है। रेस में तीसरे दावेदार हैं शरद पोक्षे। इन्होंने मराठी मंच से अपना करियर शुरू किया जो उनके पक्ष को मजबूत करता है। साथ ही उन्होंने मी नाथुराम गोडसे बोलतोय नाटक में अहम भूमिका निभाई थी। रेस में चौथा नाम उद्धव गुट्टे शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वायकर का है, जो जागेश्वरी ईस्ट से पिछले तीन बार से विधायक हैं। दरअसल मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से शिंदे कैंप के मौजूदा सांसद गजानंद कीर्तिकर हैं, जबकि उद्धव गुट ने इस सीट पर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारा है। बेटे की उम्मीदवारी के ऐलान होने के बाद सांसद गजानंद कीर्तिकर ने अपने बेटे के खिलाफ चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद अब शिंदे कैंप ये सब प्लानिंग कर रहा है। तो वहीं इस बार के हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट बेहद खास हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। कंगना मंडी के चुनावी समर में है, रिपोर्ट देखिए। मंडी के चुनावी अंगना में कमल खिलाने उतरी कंगना बिना थके और बिना रुके अपने प्रचार अभियान में लगी हुई है। तीन दिनों तक सरकाघाट विधानसभा में दर्जन भर से ज्यादा चुनावी सभाएं करने के बाद कंगना ने मंगलवार को द्रंग विधानसभा इलाके में दस्तक दी। कंगना यहां सबसे पहले शिवपदार के कांढी घटशानी मंदिर गई और माता घटशानी से जीत का आशीर्वाद मांगने के बाद जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने पहुंची। दरंग से अपना खून का रिश्ता बताते हुए कंगना ने यहां कांग्रेस पर एक के बाद एक कई वार किए और कहा कि कांग्रेस ने देश का कबाड़ा कर दिया। कांग्रेस ने इस देश को जो है इस देश का पूरा कबाड़ा करता रहता से तो तुम्हें जो भी पता कितना खर कबाड़ा करता था इस देश का। कंगना ने कांग्रेस पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया तो महिलाओं के लिए पीएम मोदी की योजनाओं को गिनाते हुए उन्हें भगवान राम का अंश बता रहा। महिलाओं के लिए चाहे वो गैस सिलेंडर दे, उज्ज्वला से या उजाला से वो एलईडी लाइट दे, वो कभी थकते नहीं है। महिलाओं के कल्याण करते हुए वो थकते नहीं है। उन्होंने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया, जिसका आज एक जो आप देख रहे हैं वो ये फूल खिला है और ये कमल का फूल आपको खिलाकर उनकी झोली में डालना है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात राम का चरित्र है, राम का त्याग है, निष्ठा है, उसका जो है नारी के प्रति समर्पण है, सम्मान है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो राम का अंश है। लोगों से वोट की अपील करते हुए कंगना ने यहाँ ये भी कहा कि जैसे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक मानकर लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं, वैसे ही चुनाव जीतने पर मैं भी मंडी वालों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज 18, मंडी। तो वहीं समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में उलझी हुई है। नया बवंडर बदायूं की सीट पर आ गया है और ये बवंडर कैसा है आखिरकार, रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी में फंसी अखिलेश की साइकिल, फिर फंस गई समाजवादी साइकिल की सियासी चेन। लोकसभा चुनाव में अखिलेश की मुश्किलें कतई कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले मुरादाबाद, फिर रामपुर और फिर मेरठ में प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश की टेंशन अभी कम भी नहीं हुई थी कि तमाम गुणा गणित के बाद अखिलेश को आखिरी मौके पर उम्मीदवार बदलने पड़े। मुरादाबाद और रामपुर में तो इतनी फजीहत हुई कि पार्टी के सिंबल पर दो दो प्रत्याशियों ने नामांकन कर ताल ठोक दी। आलम यह हो गया कि लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म हो गया। सियासी पंडित नफा नुकसान लगाने में लग गए। भला हो कि वक्त रहते अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब बदायूं सीट अखिलेश के गले की फांस बन चुकी है क्योंकि सवाल कुनबे की बात पर अटक गया है।
चाचा की गुगली में फंसा भतीजा, शिवपाल यादव ने दी अखिलेश को टेंशन। अखिलेश यादव ने बड़ा भरोसा जताया था चाचा शिवपाल पर। भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर चाचा को यूपी के बदायूं से टिकट दिया था। उम्मीद जताई गई थी कि बदायूं से ही चाचा पूरे पश्चिमी यूपी को साध लेंगे, चाचा शिवपाल साइकिल का हैंडल खुद पकड़ लेंगे तो पूरे यूपी में साइकिल को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन चुनावी चौसर में चाचा ने ऐसी चाल चली कि भतीजे अखिलेश फंस कर रह गए, सारी उम्मीदें धरी रह गईं, दिल के अरमान चंद सेकंड में चकनाचूर हो गए। जब टिकट मिलने के बाद शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट के बबराला पहुंचे और वहां चुनावी मंच से चाचा शिवपाल ने ऐलान बदायूं की सीट छोड़ने का कर दिया, साथ ही बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बेटे को लेकर टिकट की कुर्बानी देने वाले शिवपाल यादव इसे रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो, हम चुनाव लड़ेंगे भी लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत। फिर कलह में फंसा अखिलेश का कुनबा, पारिवारिक कलह करेगी साइकिल पंचर। शिवपाल ने बदायूं से बेटे के नाम का प्रस्ताव रखा तो उसे भाई धर्मेंद्र यादव ने अपना समर्थन देने में देर नहीं की। हालांकि चाचा के साथ ट्यूनिंग की टेंशन बताकर साइकिल के कुनबे में नई कलह के संकेत दे दिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। अब इसे धर्मेंद्र की टिकट कटने की कसक कहें या वाकई चाचा शिवपाल को लेकर कुनबे में कलह है, या ये कहें कि शिवपाल यादव का मन बस लखनऊ की राजनीति में ही रमता है, उन्हें दिल्ली की सियासी फिजा पसंद नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटे के लिए पिता की इस कुर्बानी के मायने क्या हैं। तो दूसरी तरफ बदायूं में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बदलने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि जैसे ही बीजेपी ने बदायूं से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पीछे हटने लगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव को बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन खबर है कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर के देरी हुई। अब सीट शेयरिंग के बाद विपक्षी गठबंधन के भीतर बागियों ने अपनी मुसीबत खड़ी कर दी है। पूर्णिया सीट छोड़ने को पप्पू यादव तैयार नहीं है, तो सिवान से दिवंगत सांसद शाहबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब ने निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। पहले से ही कटियार और नवादा सीट पर अपनों ने नाराजगी जता दी, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन का खेल बागी बिगाड़ेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर आमदा हैं। न्यूज 18 से बातचीत में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि वो गुरुवार को पूर्णिया सीट से नामांकन करने वाले हैं। बुधवार को आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में पूर्णिया सीट को लेकर सियासत हाई है। हमको लगा लालू यादव जी बड़े बेटे के तहत आशीर्वाद देंगे, और जब उसने सामने में आकर के पहला नामांकन करने ही आए पप्पू यादव के खिलाफ, और मंच पर आकर के जो मन में सो बोलते हैं, मेरे पास रास्ता अपने माँ के आंचल के लाभे बचता क्या है, मरता क्या नहीं करता, लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर। तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया की बेटी बताया है, कहा है कि बीमा भारती अति पिछड़ा की बेटी है, उनकी जीत पक्की है।
हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी। भारती पिछड़ा की बेटी है और साथ ही साथ पूर्णिया की बेटी है और हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया। आरजेडी के खाते में गई पूर्णिया सीट से पार्टी उम्मीदवार बीमा भारती ने बुधवार को नामांकन किया, तो गुरुवार को पप्पू यादव भी नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे। इधर सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिना के इस ऐलान के बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। हिना शहाब ने दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, जिसपे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना। बात सिर्फ पूर्णिया और सिवान तक ही नहीं, कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिए जाने से आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम नाराजगी जता चुके हैं। तो नवादा लोकसभा सीट से राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव आरजेडी की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में उतर भी चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडी अलायंस का खेल बिगाड़ेंगे बागी। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा में भिवानी के रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी में आकर के बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। विजेंद्र 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने 2019 में साउथ दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए थे। उधर लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है और अमित शाह ने मुजफ्फरनगर से आरएलडी के अध्यक्ष जयंत सिंह के साथ एक संयुक्त रैली की है। इस रैली से अमित शाह ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश और इंडिया गठबंधन नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले आज एक साथ खड़े हो गए हैं। जो घमंड या गठबंधन इकट्ठा हुआ है 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये जो गमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार के 81 विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा मामला, और आज हाई कोर्ट में राजेंद्र राठौड़ का प्रार्थना पत्र मंजूर हो गया है। याचिका में संशोधन के प्रार्थना पत्र को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है। कांग्रेस नेताओं को पक्षकार बनाने की मंजूरी दी है। शांति धारीवाल, महेश जोशी, रफी खान, संयम लोढ़ा, महेंद्र चौधरी और रामलाल जाट को पक्षकार बनाए जाने को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए मारो राजस्थान, सहयोगी प्रियंका राय के साथ।